हाउ टू अप्लाई फॉर यूनी इन द यूके। इट्स अ लाइब्रेरी यार, इस वीडियो के चक्कर में को लाइब्रेरी से किक आउट कर दिया। तो पहले तो तुम सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं। सबसे जरूरी चीज है टाइमिंग, पर ये वाले टाइमिंग नहीं। ऑब्वियसली तुम कब अप्लाई कर रहे हो, साल के अंदर सितंबर में, जनवरी में, अक्टूबर में, कब कर रहे हो? बेसिकली यहाँ पे दो इनटेक होते हैं, एक सितंबर में होता है और एक जनवरी में। तुम जब भी जाने की प्लानिंग कर रहे हो उससे लगभग 5 से 6 महीने पहले से अपने रिसर्च स्टार्ट कर दो। अब बारी आती है अपनी परफेक्ट यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए। ज़रूरी नहीं है वो यूनिवर्सिटी तुम्हें एडमिशन दे दे, बट अप्लाई करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ LSE के सामने, जिसने मुझे एडमिशन नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें हमेशा अच्छी यूनिवर्सिटी में, बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ताकि तुम्हारे पास कोई चांस है वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का, वहाँ से पढ़ाई करने का। फिर तुम्हें रिसर्च करनी है कि किस किस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा सब्जेक्ट जो तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी वहाँ पे एलिजिबिलिटी, उसके बाद तुम देखना तुम्हारे फाइनेंसेस उसको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं, और फिर भी कुछ बच जाए तो ये चेक करो तुम उस इलाके में जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे रहना चाहोगे कि नहीं। इस सब रिसर्च के लिए QS यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग करके एक वेबसाइट है, तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उस पर क्या है, सारी रैंकिंग, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग, ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग, UK में रैंकिंग, तुम सब कुछ चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अगर तुम्हें डाउट हो रहा हो कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम अप्लाई करना चाह रहे हो वो अच्छी है कि नहीं है, उसका क्या स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू द UK, तुम उस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। बहुत चीज़ें हैं एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, और रहने सहने के हिसाब से, बहुत कुछ है। याद से इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं कुछ क्विक फायर टिप्स बताऊंगा वीडियो के एंड में जो कि तुम्हारे बहुत काम आएंगे। भाई फिर सबसे जरूरी चीज़ आती है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, सबसे ज़रूरी। SOP में क्या है, तुम्हें ये बताना पड़ता है कि तुम क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, इससे तुम्हारा आगे जाके क्या फ़ायदा होगा, और कि तुमने ऐसा पहले कुछ पढ़ा है कि नहीं। एक्चुअली तुम जो सब्जेक्ट चाहो तुम वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाना है। मैं एक दोस्त को जानता हूँ जिसने मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, जिसने संस्कृत ऑनर्स करी है और उसने फिजिकल एजुकेशन का कोर्स ले लिया था क्योंकि उसने 12th में पढ़ी थी। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें उसको लिंक करना है, बताना कि मैं ये डिग्री पढ़ने के लिए केपेबल हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और उसी के बेसिस पे और ओवरऑल एलिजिबिलिटी, तुम्हारे मार्क्स इतने जो उनका एक प्री डिफाइंड होता है, तुम्हें कहीं भी एडमिशन मिल सकता है। तुमने SOP भेज दिया, यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर भी आ गया, बट हो सकता है उस पर कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे फाइनल सेमेस्टर में इतने मार्क्स चाहिए हो तुम्हें, या जो भी तुम्हारा टाइम बचा है ओवरऑल टोटल तुम्हें इतने मार्क्स लाने हो, या फिर हो सकता है तुम्हें इंग्लिश का IELTS एग्जाम करना हो, जो कि वैसे भी करना पड़ेगा। तो मोस्टली हमेशा ऐसा तो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा कंडीशनल ऑफर कि तुम्हें IELTS या फिर TOEFL एग्जाम क्लियर करना है, उसका एक स्पेसिफिक स्कोर भी लेना पड़ता है उसमें। इसीलिए 5-6 महीने पहले अप्लाई करोगे तो बेटर है, क्योंकि तुम अपना कंडीशन ऑफर पूरा कर पाओगे तो ज़्यादा चांसेस एडमिशन के। प्लस जब तुम वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम बिना टेंशन के आराम से अप्लाई कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, और कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं लेनी पड़ेगी फास्ट वीज़ा है, क्योंकि तुम्हारे पास 4-5 महीने होंगे वीज़ा का आने का, वेट करने का, अप्लाई सब कुछ का। तो भाई जब तुम अपने कंडीशन पूरी कर दोगे और एप्लीकेशन फी दे दोगे, उसके बाद तुम्हें मिलेगा CES लेटर, जो कि होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी, जो कि तुम्हारे वीज़ा में काम आता है। CES मिलने के बाद जब तुम वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तुम्हें अपने फाइनेंसिस भी दिखाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल तुम्हारी £15,000 की फ़ीस है, तो वो फीस प्लस ऑलमोस्ट लगा लो £10,000 का रहने का खर्चा तुम्हें अपने बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं खुद को या फिर तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट कर सकती है कि नहीं। अब बारी आती है यूज़फुल क्विक फायर इन्फो की। एटलीस्ट 8-10 यूनिवर्सिटी में तुम्हें अप्लाई करना ही चाहिए। जब तक तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आता कि तुम्हारा SOP बहुत अच्छा है या फिर बिल्कुल परफेक्ट है, तब तक अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि तुम जितनी बार अप्लाई करोगे, जितनी बार अपना SOP लिखोगे, वो उतना बेटर होता जाएगा, और अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में तुम हमेशा अपना बेस्ट वर्क देना चाहोगे। योर SOP डजंट हैव टू बी लॉन्ग। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम इतने वर्ड या इतने वर्ड होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज तुम अपने SOP में अपना पढ़ाई का रीजन, तुम्हारी प्रीवियस पढ़ाई से इस सब्जेक्ट का कनेक्शन, और तुम्हारा डिजायर्ड आउटकम यानी कि जॉब या फिर वैसे ही प्रोफिशिएंसी, जब तक वो सारी चीज़ें तुम अपने वर्ड्स में जस्टिफाई कर सकते हो, चाहे छोटा सा भी हो तो भी काम चल जाएगा। हाँ मतलब एक पेज के आसपास तो लिख लेना है, थोड़ी कि एक ही पैराग्राफ लिख दोगे, बट बहुत लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले सारे ऑफर लेटर्स का वेट करो, अपने सारे ऑप्शंस देखो, और उसके बाद जैसे तुमने चूज़ करा उसकी कंडीशंस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरे कर दो, चाहे वो IELTS हो चाहे तुम्हारे मार्क्स का हो, जितनी जल्दी वो पूरा हो सकता है वो कर दो, और अपना CES लेटर ले लो, बिकॉज CES के बिना तो अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सितंबर इनटेक के लिए मई या फिर जून तक कोशिश करो तुम्हारा वीज़ा अप्लाई हो जाए, और जनवरी के लिए अराउंड सितंबर अक्टूबर तक अप्लाई कर दो। भीड़ से बचने के लिए 10 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा, वरना 1-1.5 महीने 2 महीने लग सकते हो, क्योंकि सब लोग एंड में अप्लाई करते हैं और फिर उनके पास इतनी एप्लीकेशन होते हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस होती हैं सारी। इन सब चीज़ों के लिए तुम एजेंट्स के पास भी जा सकते हो, वो भी तुम्हारी हेल्प कर देंगे। बट एक बात याद रखना,
तुम्हारे मन में जो यूनिवर्सिटी हो उन्हें जरूर बताना, क्योंकि वो तुम्हें वो ज्यादा बताएंगे जिनमें उनका फालतू फायदा है या फिर वो पहले से अफिलिएटेड है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी एजेंट को पैसे नहीं देने बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें तुम्हारे एडमिशन कराने के पैसे यूनिवर्सिटी से अपने आप मिलते हैं। कोई ढंग का एजेंट तुमसे कभी पैसे नहीं लेगा। चलो भाई, होपफुल तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हारे काम आए तो अच्छी बात है, ना आए तो मैंने कोशिश तो करी थी यार। बाकी वैसे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ या फिर चैलेंज वीडियोस खेलो, तो अगर तुम्हें वो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस टाइप की वीडियोस तो मैं हर महीने एक जरूर लेके आऊँगा इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आई होप सो।